Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is concept of immunity. ठीक है, immunity पढ़ने से पहले हमें concept जानना पड़ेगा कि immunity है क्या. तो basically इस video में हम लोग antigen and antibody के बारे में पढ़ेंगे. We learn about definition, types and structure of antigen and antibody. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है. तो एज यू सी, एंटीजन एंड इट्स टाइप. तो एंटीजन्स आर जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो एंटीजन्स क्या हैं? बेसिकली जो होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, दैट जो क्या करते हैं, दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. किसी भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, कोई भी लिविंग थिंग्स का जो इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम होता है, तो उसको स्टिमुलेट करता है किसके लिए, टू प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन क्या करेंगे, व्हाट इज़ एंटीजन. तो एंटीजन आर जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. यानी एंटीजन एक ऐसा प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो किसी भी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके. तो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम से प्रोटीन जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होता है, जिस प्रोटीन मॉलिक्यूल की वजह से, तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं. क्लियर. तो इट कैन बी फॉलोड थ्री फॉलोइंग टाइप्स. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे तीन टाइप हो सकते हैं एंटीजन्स के, एक्सोजीनस, एंडोजीनस एंड ऑटो एंटीजन्स. तो दीज आर द बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एंटीजन. तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि एंटीजन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा टॉपिक दैट इज एंटीबॉडी एंड इट्स टाइप. एंटीबॉडी को देखो इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट, इट कॉल एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम इसे कहते हैं. तो एंटीबॉडी क्या होता है, बेसिकली वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है जिसका शेप अंग्रेजी की वाई लेटर की तरह रहता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द बीटा सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम. जो कि इम्यून सिस्टम के बीटा सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो बीटा सेल से, इम्यून सिस्टम के बीटा सेल से जो वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होता है, उस वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंटीबॉडी. क्लियर. वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द बीटा सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एंटीबॉडी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो एंटीबॉडी को हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं. तो दोनों का मतलब एक ही होता है. वेयर डज इट फाउंड, तो इट इज़ फाउंड और प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, इन ब्लड. ब्लड के जो प्लाज्मा, ब्लड तो बना है प्लेटलेट्स सेल्स, ब्लड सेल्स से और प्लाज्मा से. तो ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो पार्ट रहता है, उस पार्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है. ओके, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. चलो दे आप देख सकते हो, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज़ एम, जी, ई, डी एंड ए. इसे हम आई जी एम भी कह सकते हैं, आई जी जी भी कह सकते हैं. ठीक है, बुक में बहुत तरीके से लिखा है, तो आप वैसे बुक में जैसा है वैसे भी लिख सकते हो, या सिंपली एम, जी, ई, डी और ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एंटीबॉडी एंड इट्स टाइप. नाउ अब हम शेप की बात करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है. लेट्स सी, एंटीबॉडी का शेप जैसा आप देखते हो कि वाई बॉडी, जैसे आप देख रहे हो वाई शेप बॉडी है इसका. राइट, तो ये देखो आप लोग देख रहे हो वाई शेप बॉडी है. इस पिक्चर को देखो आप, राइट, इस पिक्चर को देखो, तो ये आपको कैसा दिखेगा, एक वाई शेप दिखाई देगा. राइट, इंग्लिश का वाई शेप ऐसे होता है ना. तो शेप कैसा है एंटीबॉडी का, वाई शेप. ओके, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है. तो इच एंटीबॉडी इज कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन. देखो एक, दो, तीन, ठीक है, और ये चार.
तो ये चेन है, फोर चेन है। ये किससे बने हुए हैं? ये चारों चेन पॉलीपेप्टाइड्स चेन से बने हुए हैं। दीज आर मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एंटीबॉडी में कितने चेन रहते हैं? फोर चेन रहते हैं। वो किससे बना रहते हैं? पॉलीपेप्टाइड से बना रहता है, राइट, एंड हेल्ड टुगेदर। और ये आपस में जुड़े रहते हैं किससे? एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाई डाइसल्फेट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड मैं नहीं दे सका हूँ, ऐसे बॉन्ड से ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में, ठीक है। इस तरह से इसके इनके बीच क्या रहता है? बॉन्ड रहता है, जो जिसे हम SS बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी वाई शेप्ड रहता है, दिख रहा है आप लोग, एंटीबॉडी वाई शेप्ड है जिसमें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1, 2, 3 और 4, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, और वो आपस में जुड़े रहते हैं किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और वाई शेप बनाते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, क्लियर। तो समझ में क्या आया कि एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप्ड है, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ के वाई शेप्ड बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो वन पेयर ऑफ स्मॉल चेन, आप गौर से देखो, एक रेड वाला है ये वाला, और एक ब्लू वाला। तो इन दोनों में देखो आप, एक बड़ा है ये वाला, बड़ा है ये दोनों, एक पेयर, और ये एक पेयर छोटा है। तो इसका अलग अलग नाम दिया। ये जो छोटा वाला है चेन, इसे हम क्या कहते हैं? लाइट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट चेन कहते हैं इन दोनों पेयर को, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला दिस वन, इसको हम कहते हैं हैवी चेन, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि वन पेयर ऑफ द स्मॉल चेन इज़ कॉल्ड लाइट चेन। एक पेयर जो है आपका वो क्या कहलाता है? वन पेयर जो है वो हमें लाइट चेन कहलाता है। तो व्हाट इज़ लाइट चेन? वन पेयर ऑफ स्मॉल चेन इज़ कॉल्ड लाइट चेन। और जो दूसरा बचा हुआ है, द अदर वन पेयर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन कॉल्ड हैवी चेन। तो ये हैवी चेन हो गए, इसको कहते हैं हैवी चेन, राइट। ईच चेन हैज़ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल पोर्शन। अब चाहे वो लाइट चेन हो या फिर हैवी चेन हो, ठीक है, इसमें एक पोर्शन पाया जाता है जिसे हम कांस्टेंट पोर्शन कहते हैं और एक वेरिएबल पोर्शन कहते हैं। दिखाई देगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का, दैट इज़ वेरिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे, इधर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पार्ट जो है ये वेरिएबल है, राइट। और ये वाला जो रिमाइंडिंग जो बचा हुआ ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पार्ट कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन। तो समझ में आया कांस्टेंट पोर्शन क्या है और वेरिएबल पोर्शन क्या है। अब देखिए, आप गौर से देखिए इस पिक्चर को, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ क्या होता है, यहीं पर एंटीजन आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहीं से क्या होता है, एंटीजन इससे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये एंटीबॉडी है, मतलब हमें रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाता है। एक्चुअली क्या करता है, इसी से जब एंटीजन, यानी एंटीजन एक तरह का बैक्टीरियाज वायरसेस होते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पर इनको मार देते हैं। तो ये जितना हमारा स्ट्रांग रहेगा, यहाँ पे जितना बैक्टीरिया आएगा यहाँ पे बाइंडिंग करेगा, अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर बाइंड कर दिया, यहीं पे एंटीजन को पकड़ लिया, वायरस को पकड़ लिया और उसे किल कर दिया, तो ये भीतर नहीं जा पाएगा और हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा, राइट। समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, इस साइट पे, यहाँ इस साइट पे कैसे एंटीजन आते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, वही हम लोग देखेंगे। तो वही चीज़, इन द वेरिएबल पोर्शन एंटीजन बाइंड टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। तो यहीं पे जो वेरिएबल जो पार्ट मैंने अभी बताया, यहीं पे क्या होता है, इस वेरिएबल पार्ट में ही, देखो दोनों तरफ है, राइट। तो वेरिएबल पार्ट पे ही क्या होता है,
एंटीजन एंटीबॉडी क्रिएट होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, वो रिएक्शन कैसे करता है, वो कंबाइन कैसे करते हैं और किस प्रोसेस से कंबाइन करते हैं वो अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ यू कैन सी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तो पहले जान लेते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी है क्या। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है जान लेते हैं। व्हाट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एक एंटीजन रहेगा और एक एंटीबॉडी रहेगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझ में आया। तो ये वाई सेप था, तो वाई सेप ये एंटीबॉडी है, राइट, एंटीबॉडी है ये ए बी, और यहाँ पे, और यहाँ पे जो कनेक्ट करेगा वो क्या रहेगा, एंटीजन ए जी शॉर्ट में अगर लिखे तो ए जी। तो जब ये दोनों कनेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, तो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्लियर। चलो चलो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो द इंटरैक्शन बिटवीन, देखो लिखा हुआ है द इंटरैक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी आर टर्म एज ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो द इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर टर्म एज ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है, राइट। नाउ एज यू सी इट कैन बी रिटन एज ए जी ए बी रिएक्शन। इसे हम शॉर्ट में एंटीजन को ए जी और एंटीबॉडी को ए बी से हम डिनोट करके इसे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसे सिंपली हम ए जी ए बी रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को लिखना है शॉर्ट में तो ए जी ए बी रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, या कहीं लिखा रहेगा तो घबराने की बात नहीं है, ए जी और ए बी रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ए जी ए बी रिएक्शन शॉर्ट नेम है एंटीजन और एंटीबॉडी का। क्लियर। नाउ अब हम लोग जानते हैं, जान गए कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, रिएक्शन अभी कितने तरीके से होता है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर, एज यू सी देयर आर फॉलोइंग सिक्स टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, नंबर वन एग्लूटिनेशन, सेकेंड वन प्रेसिपिटेशन, थर्ड वन न्यूट्रलाइजेशन, फोर्थ लाइसिस, फिफ्थ ऑप्सोनिंस एंड लास्ट वन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये छः तरीके से एंटीजन एक एंटीबॉडी के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होके क्या कर देता है, अभी जैसे मैंने बताया था एंटीबॉडी एंटीजन को मार देता है जिससे हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हर प्रोसेस में किस तरह से कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। लेट्स सी, तो पहला वाला ये हमारा था, क्या था, एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन में क्या होता है, व्हेन वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जॉइन विथ मैनी एंटीजेंस। ठीक है, मतलब एक एंटीबॉडी रहेगा, ये एक एंटीबॉडी है और बहुत सारा ये जो है यहाँ पे, जैसे भी बता रहा था, ये बहुत सारा एंटीजन मॉलिक्यूल्स आके उसे रिएक्ट करेगा। क्या बोले, समझ में आया कि जब एक एंटीबॉडी रहेगा, राइट, और बहुत सारे एंटीजन मॉलिक्यूल्स उस पर रिएक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन, राइट। तो एग्लूटिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है एग्लूटिनेशन। तो जब रिएक्ट करता है तो आफ्टर दैट द एंटीजेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस। तो एक मैक्रोफेजेस होता है जिसकी वजह से वो जितने सारे वायरसेस रहते हैं, एंटीजेंस रहते हैं, वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा। क्लियर। नाउ दूसरा प्रोसेस जो है हमारा वो है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एन एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी रहेगा और एक एंटीजन रहेगा, इसमें एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन ही रहेगा, मतलब एक एंटीबॉडी है इस तरह से और यहाँ पे जो कनेक्ट करेगा वो एक ही
एंटीजन भी रहेगा, ठीक है। तो एक एंटीजन बॉडी एक एंटीबॉडी एक एंटीजन बॉडी से सॉरी एक एंटीबॉडी एक एंटीजन से जब जुड़ता है तो प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है मान लो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा एंड फंक्शनलेस रहेगा, उसका कुछ फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो डेड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। प्रेसिपिटेट बन जाएगा मतलब निर्जीव हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स बन जाएगा, ठीक है, एक तरह से कहे तो मर जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो समझ में आया होगा आई होप दोनों आप लोगों को। नाउ थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन एंटीबॉडी सराउंड द टॉक्सिन सीक्रेटेड एरिया ऑफ एंटीजन एंड मेक इट फंक्शनलेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब मान लो कि एक एंटीजन है, ठीक है, उस एंटीजन से जो सीक्रेटेड हो रहा है, जो टॉक्सिन सीक्रेटेड हो रहा है मतलब ख़राब चीज़ हमारे बॉडी के लिए जो टॉक्सिक रहता ख़राब हार्मफुल रहता है, टॉक्सिन मीन्स होता है हार्मफुल, ठीक है। तो जो हार्मफुल चीज़ सीक्रेट होता है किसी भी एंटीजन से, ठीक है, तो उस एरिया को क्या कर देता है, एंटीबॉडी सराउंड कर देता है, सराउंड द टॉक्सिन सीक्रेटेड एरिया ऑफ द एंटीजन। मतलब एंटीजन जो टॉक्सिन सीक्रेट करता है उस एरिया को पूरा कवर कर देता है, चारों तरफ से घेर देता है, मतलब इसी के अंदर टॉक्सिन सारे इसी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये घेरता कौन है? घेरता है एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी। कौन घेरता है इसको? एंटीबॉडी ऐसे घेर के रखता है चारों तरफ से, वाई शेप होता है ना, तो इस तरह से घेर के रखता है जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाता है, राइट, इस तरह से घेर के रखते हैं। तो इसी के अंदर ये सारे जो टॉक्सिक्स रहते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं, जो सीक्रेट होता है एंटीजन के द्वारा, तो इस प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ऐसे घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है ताकि इसको बाहर नहीं निकलने दें और ये फंक्शनलेस हो जाए, ये कोई काम करने लायक ना बचे। तो ये जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ रिएक्शन, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये तीनों प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और तीन बचे हुए कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एज यू सी द फोर्थ वन इज लाइसिस। यस एज यू सी दैट इज फोर्थ वन इज लाइसिस। तो लाइसिस इसमें क्या रिएक्शन है देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी मेक लाइटिक एक्शन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए एंटीजन। मतलब एंटीजन जो रहता है एक एंटीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, कौन सा एक्शन करता है? लाइटिक एक्शन करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग पढ़े ही होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल बॉडी जैसा ही होता है, सॉरी सेल वॉल जैसा होता है। तो एंटीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी जब लाइटिक एक्शन करता है तो उस तरह के प्रोसेस को करके उसे मार देता है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्या बताया मैंने ये बताया कि व्हाट इज़ लाइसिस। तो द प्रोसेस इन विच एन स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी मेक लाइटिक एक्शन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंटीजन एंड किल्स इट कॉल्ड लाइसिस। यानी एंटीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी और रिएक्ट करके उसे किल कर देता है, मार देता है, तो उस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? लाइसिस प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? लाइसिस प्रोसेस। क्लियर, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ प्रोसेस है कि फिफ्थ प्रोसेस का नाम था यस यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो ऑप्सोनिन्स, तो किसी वजह से लिखना भूल गया हो या कट गया होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑप्सोनिन्स में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन एंटीबॉडी रिएक्ट विथ एम प्रोटीन।
एक एंटीबॉडी अपने एम प्रोटीन, हम लोग पढ़ रहे थे कि एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं, एम जी ई डी और ए, तो एक एंटीबॉडी जो एम एंटीबॉडी टाइप का होता है, जिस एंटीबॉडी में एम मॉलिक्यूल एम प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन के साथ एक एंटीजन के साथ क्विक रिएक्शन करता है और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो रिएक्शन ऑप्सोनेंस रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया क्या बताया मैं? मैंने ये बताया कि एक ऐसा एंटीबॉडी जिसमें एम मॉलिक्यूल एम टाइप एंटीबॉडी एम टाइप प्रोटीन एंटीबॉडी जब किसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यही प्रोसेस हम ऑप्सोनेंस के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं, ठीक है। और कंप्लीट सिस्टम, 6 नंबर इज कंप्लीट सिस्टम। क्या होता है कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? तो द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन वेयर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व, जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एक एक नहीं बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन जब इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें एक ही था ना, इसमें एक ही था एम, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन जब इन्वॉल्व रहेंगे तो वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 6 तरह का द फॉलोइंग 6 टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। और बाय द वे, अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें इनबॉक्स करिएगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।